हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैं ऊपर के रूम में आई हूँ, मेरी बेटी के रूम में। आपने तो बहुत बार देखा भी है मेरी बेटी का रूम। और बाहर तो पूरा अंधेरा हो चुका है, देखिए पूरा अंधेरा। रात में मेरी छोटी सी गार्डन ऐसी दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ही मुझे थोड़ी थोड़ी साफ सफाई भी करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए साफ सफाई करना है। देखूंगी बाद में, थोड़ी बारिश रुकने के बाद, अभी तो नहीं। तो ये बंद कर देती हूँ लाइट को। ये मेरी बेटी का टेडी और ये है मेरा बेटा का रूम। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो इसीलिए आपको पता भी नहीं है। मेरा बेटा आ चुका है घर, और अभी तो वो वहाँ भांजा के जो बेटी बेटी है उसका बर्थडे था, तो वहाँ पे गया हुआ था, तो आज आ रहा है। अभी कितना बजे तक वो आएगा पता नहीं, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पहले मैं इसको लगा देती हूँ। तो कब आएगा पता नहीं, और जब वो आ रहा था तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो आ ही रहा है, और उसमें भी मैं ज़्यादा खुश हूँ, और कोई आ रहा है मेरे घर, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सालों बाद आ रहा है या आ रही है, बाद में आपको पता चलेगा। और यहाँ देखिए जेरी और स्पाइकी सोया हुआ है, और पुष्पा कहाँ है? उसका टीवी का रिचार्ज खत्म हो चुका है, तो इसीलिए उसने शायद ऑन किया था, तो अभी रिचार्ज खत्म हो चुका है, इसीलिए वो बंद करके कहीं चली गई होगी। नीचे है ना, ऊपर है पता नहीं, ऊपर तो नहीं थी। और यहाँ देखिए एक्वेरियम, मैंने एक्वेरियम में वो लोटस जो आजकल बहुत दिखाई देता है ना यूट्यूब में हो या जिसमें भी, वो फेसबुक में भी दिखाई देता है, जो बीज डालने का साथ साथ ही थोड़े दिन बाद लोटस हो जाता है। लेकिन मैं तो आज मैंने एक महीना पूरा नहीं हुआ है, एक महीना हुआ नहीं, एक महीना तो शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन होने वाला है। अभी तक देखिए मेरा लोटस हुआ ही नहीं, मैंने एक्वेरियम में लगा दिया है लोटस को। मछली भी खेलते रहेगा और लोटस भी होते रहेगा। अब देखते हैं कब तक ये लोटस का फूल खिलेगा। और यहाँ पुष्पा पता नहीं क्या कर रही है, रस्सी से क्या कर रही है। ऐसे लेके आया नीचे। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, अभी 7 बजने वाली है, 5 ही मिनट बाकी है। और पुष्पा भी बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमारे घर हमेशा खाली खाली रहता है, आज थोड़ा भरा भरा होगा। और कौन आएगा बाद में आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा ना पुष्पा, अभी नहीं बताना है ना, बताना है नहीं बताना है नहीं बताना है, बाद में सबको पता चलेगा। एक तो पुष्पा का अभी दादा आएगा, उसने उस दिन रक्षाबंधन नहीं बांधा था, क्योंकि मेरा बेटा चला गया था मेरे घर रक्षाबंधन बांधने के लिए, उसका मामा का बेटी का हाथ से रक्षाबंधन बांधने के लिए चला गया था, तो इसीलिए पुष्पा ने नहीं बांधा था। तो कल बांधेगी दादा को, तो वो कल रक्षाबंधन बांधेगी, और लेके पूरा रेडी है, रक्षाबंधन को लेके भी रेडी हो चुकी है। लेकिन दादा का अभी तक पता नहीं, दादा कब तक आज आएगा, लेकिन आज आएगा। 9-10 बजे तरफ आ जाएगा। देखिए इतना ना बारिश हो रहा है, और मुझे तो ठंडा ही लग रहा है,
तो चलिए अभी जल्दी जल्दी भी खाना बनाती हूँ। तो अभी देखिए कौन आ रहा है और कौन जा 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 खुल जेरी स्पाइकी को पता चल चुका है, अब आ पाई सके जा जा, तू चुप चुप करने से नहीं होगा। तो चलिए पुष्पा बहुत खुश है, जा रहा भैया तो जा खुल किना आमी लाई बोला आ रहे थे आरते दरवाजा खुल रहा मन छे रुने कोई छाई ना भाई आगे देखे आमी तुझे ना आएं कोई भी छाई ना यहाँ वीडियो भी नहीं छा मुझे मत खुल मत खुल लाइक मत जला ना ओ तो सबका चेहरा तो देखना है। तो देखिए कौन कौन आया हुआ है इस आओ 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 के बिनो नाम बता जेरी वेलकम करनो आए को एरी यू किन इतनी सारो एकदम जेरी खुशी भर के ओ तो आप ही सांत तो बाहर है नमस्ते आओ 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 आ जेरी आई जा माथी आओ आओ देखिए कौन आया हुआ है मेरी माँ और वहां देखिए मेरी भदैनी मेरी भदैनी काली मई यहाँ दुखे और यहाँ बहू तो की भएको धेरै मान्छे देखेर होला पागल भएको के काम गर्यो हेर्न अबी अब जेरीलाई हल्ला पनि गरे छैन त्यसै यतिकै हल्ला गर्नै भुलेछ भाई बहन की लड़ाई पुष्पा का तो नहाना धोना भी हो चुका है कति जनी पानी पड़े होला नि भगवान कति जनी पानी पड़ेगा कहीं तो खाओ बहनी कोती खाए तो दूध खाए बिस्कुट खाए अहिले खारा त कोरी त अब जान्छ अहिले त काम कोरीले बिटके खाइला त त्यसले छ भनी दुकानमा त फुपु दुकानदार हो घरमा फुपु हो बाहिर दोकानी हो पुष्पा क्या निकालना है जा अंकल का बोल आज पुष्पा का रक्षाबंधन है पुष्पा आज अभी दादा को राखी बांध देगी ऐसे तो रक्षाबंधन खत्म हो चुका है लेकिन ये महीना में तो बांध भी सकती है तो इसीलिए राखी बांध देगी। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी सुबह की 9:30 हो रही है और आज पुष्पा लगाएगी मेरे बेटे को रक्षाबंधन बांधेगी क्योंकि उसने खरीद के भी रखा हुआ है तो आज बांधेगी रक्षाबंधन। और अभी सुबह सुबह हम सब ने ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है लेकिन पुष्पा और उसका भाई का तो अभी तक हुआ नहीं है तो अभी वो पहले टीका लगाएंगे उसके बाद ही खाएंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आज क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ मेरी माँ बैठी हुई है, यहाँ बहू, यहाँ मेरा बेटा रेडी हो चुका है रक्षाबंधन बांधने के लिए और पुष्पा अभी रेडी कर रही है। यहाँ नहीं बांधनु पड़ चला बस रहे पुष्पा का राखी शुरू हो चुका है। पुष्पा कभी भी ऐसे करके नहीं जलाना है, हाँ दिए से कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाना है। चलो आज के लिए कोई भी नहीं मालूम नहीं था इसीलिए
भैया मेरी राखी का बंधन को निभाना। वही गाना गा करके कर चलो। ये पाई तो शायद के करे भाई टीका भी नहीं हो कि ना के हो अब ना जान बेंगलोर नानू ले रुएर भाई बोलांचू भनी छे ना उसलाई थाहा छ त उसलाई घरमा जसरी गर्छ त्यही तरिकाले गर्छ उसलाई थाहा छ। यो बुढी माउ हो सबै थाहा छ यसलाई। आशीर्वाद दे दादालाई दादा बड़ा काम करके हमको बाद में आईफोन खरीद दे। तैले खिलाई दे पुष्पलाई ल रक्षाबन्धन खै हेरौँ पुष्पले कस्तो खालको राखी बाँधिदिएछ हेरौँ। यो बहिनीको होला कुन चाहिँ कसको कुन वृन्दाको कुन तन्नुको वृन्दा तन्नु पुष्प चलो ए राखी राखी कोई ना खिलाई ना रोशनी।